करेंगे अबाउट द नॉन डीपोराइजिंग नीरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ठीक है मैं पता था नीरोमस्कुलर ब्लॉकर्स दो टाइप्स के नॉन डिपोलराइजिंग एंड डिपोलराइजिंग तो सबसे पहले हमने बात करनी है अबाउट नॉन डिपोलराइजिंग ठीक है अब नॉन डिपोलराइजिंग के ना कुछ और नाम है नॉन डिपोलराइजिंग को हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं एंटागोनिस्ट क्यों कहते हैं बिकॉज जब आपके पास समझो कोई नर्व टर्मिनल है आगे, आगे आपके पास कोई मसल स्टार्ट हो रहा है ठीक है ये मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इन्होंने एसिटाइल एसिटेलक्न के इफेक्ट के ऑपोजिट काम करना है ठीक कर है क्योंकि नॉन डी एस्टेलक्न तो आगे डीपोलराइज कर रहा है बट दे आ, वो एसिटल डीपोलराइज करेगा बट इसने डीपोलराइज नहीं होने देना है वहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे खुद बाइंड कर देगा एसिटाइल एसिटाक्लिन को बाइंड नहीं करने देगा ठीक है एसिटाइल एस्टलक्न के एक्शन को अपोज कर रहा है ठीक है उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट और एसिटाइल एसिडाक्लिन के साथ देखो अब भी कोई रिसेप्टोटिनिक रिसेप्टर पर है ठीक है ये कम्पीट करेगा इसके साथ बाइंड करने के लिए एसिडल कुरीन को बाइंड नहीं करने देगा खुद कम्पीट करेगा तो डेट्स वाई हम नॉन डिपोलाइजिंग को कम्पैटेटिव भी कहते हैं ठीक है कम्पैटेटिव ब्लॉकर्स या दे आर एगोनेस्ट एंटागोनेस्ट ठीक है तो ये दो और नाम है इनके अब हम पहले देखते हैं कि ये नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स हैं कौन कौन से उनके जनरली उनके जो मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहे हैं ठीक है वो है ट्यूबो ठीक है फिर आपके पास आता है मीवा क्यूरियम एटरा फिर है सिस एट्राक्यूरियम फिर है पैनक्यूरोनियम, फिर वी क्यूरोम वी क्यूरोम के बाद आता है हमारे पास रो क्यूरोम और पैन भी हो गया पाइप क्यूरोनियम भी एक होता है तो दिस इज़ दीज आर द नॉन डिपोराजिंग ब्लॉकर्स वन टू टू फाइव एट है ठीक है मोस्ट कॉमनली यूज हैं और भी होंगे जाहिर है क्यूबा क्योरीन है म्यूवाक्यूरियम है एट्राक्यूरियम सिस्ट्राक्यूरियम पैन क्यूरोम uh, विक्युरोनीम क्यू क्यूरोम एंड पाप क्यूरोम ठीक है अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है लो डोजेज पे कैसे एक्ट करते हैं और हाई डोजेज पे कैसे एक्ट करते हैं हम लो डोजेज का अलहदा पढ़ेंगे कैसे एक्ट करेंगे और एट हाई डोजेज पे इन्होंने कैसे एक्ट करना है बॉडी में देखो लो डोजेज पे इन्होंने क्या करना है आपको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें बुक पे एक डायग्राम है ये देखो ये हमारे पास है लो डोज के अकॉर्डिंगली अब कंपेटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक क्या कर रहे होते हैं ये देखो ये आपके पास एसिडल कोलिन है ये आपके पास रोक्यूरोनियम है रोक्यरोनियम हमारे पास एक क्या एक नॉन डिपोराइजिंग न्यूरोमस्कल ब्लॉकर है ठीक है अब नॉन डिपोर क्या करेगा इसके ये देखो इसकी शेप जो है वो यहाँ पे फिट होने वाली है ना एसिडल कोलिन के साथ कंपीट करके ये यहाँ पे बाइंड कर देगा ठीक है निकोटेनिक रिसेप्टर पर एसिडल कोलिन को बाइंड नहीं कर देगा खुद बाइंड कर करिएगा जिसकी वजह से क्या होगा ये ऐसा कब करें लो डोज पैक करें जब ये सपोज है कोई निकोटिनिक रिसेप्टर था ठीक है उस पर आके ये आपके पास रोक यूरोनियम ड्रग है ये बाइंड कर गया अब एसिडल कोलिन को इसने बाइंड करने नहीं देना है जब ये खुद इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा ना इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी नहीं करेगा सिर्फ बाइंड करना है स्टिमुलेट भी नहीं कर रहा सिर्फ उसे बाइंड कर रहा है जिसकी वजह से क्या होगा अब एसिटल कोई भी नहीं खुद नहीं लग सकते खुद लग गया वो निकोटेनिक रिसेप्टर बाइंड भी नहीं हो रहा मसल आगे गया फर्दर डिपोलराइज भी नहीं होगा फिर सही तो डैट्स में क्या होता है नॉन डीपोलराइजिंग लो डोजेस पे आके अपना निकोटेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया इसने ठीक है और ये हो गया लो डोजेस पर हाई डोजेस पे क्या करेगा सपोज करो अगर आपके पास ये एक निकोटेनिक रिसेप्टर है हमें पता है निकोटेनिक रिसेप्टर्स के फाइव सब यूनिट्स होते हैं ठीक हो गया अब इसने क्या करना है इस रिसेप्टर हाई डोजेस पे ना इसने इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करना है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करना रिसेप्टर के साथ हमें पता है सोडियम चैनल्स पर होते हैं ये हमें पता नहीं रिसेप्टर के साथ सोडियम चैनल है ये इसके साथ बाइंडिंग नहीं करेगा इसने इन सोडियम चैनल्स में आके उनको ब्लॉक कर देना है हाई डोजेज में उन चैनल्स में इसने इनके साथ बाइंडिंग करना हाई लो डोज पे करता है हाई डोज पे इस चैनल्स में आएगा इस चैनल को ही ब्लॉक कर देगा कि सोरेन की फर्दर एंट्री होगी नहीं और डीपोलराइजेशन भी नहीं होगी ठीक है तो लो डोजेज पे कैसे एक्ट कर रहा था हाई डोजेज पर कैसे एक्ट कर रहा था ये हमने देख लिया और लो इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लोअ डोज पर ना मसल जो है अगर हम उसे कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल को स्टिमुलेशन देते हैं ना कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेन दे तो मसल रिस्पॉन्ड करेगा बट हाई डोज पे अगर हम जिस क्योंकि यही जो है हमारे पास ब्लॉक हो चुका है चैनल तो इस पर हम हाई डोज पे अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मसल को कोई भी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकली कोई स्टिमुलेट कर रहे हैं अगर हम मसल को तो मसल स्टिमुलेट नहीं होगा ठीक है लो डोज पे होगा हाई डोज पे नहीं होगा इसके बाद अब हमने देखना है इनके एक्शंस क्या होते हैं मतलब डीपोलराइजिंग नॉन डिपोराइजिंग हमने दे दिया बॉडी में अब सबसे पहले अपने एक्शन कहाँ कहाँ शो करेगा ठीक है नॉन डीपोलाइजिंग क्या कर करते हैं सबसे पहले हमारे पास फेस और आई के मसल्स जो हैं वो उन पे इफेक्ट करता है ठीक है अब फेस और आई के मसल्स दे गेट पैरालाइज्ड फेस और आई के मसल्स पैरालाइज होंगे पैरालाइज इसीलिए होंगे ना क्योंकि इनका इफेक्ट नहीं है वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ज़ाहिर है मसल वो हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे दे आर पैरालाइज्ड फेस और आई के बाद फिर आपके फिंगर्स लिम्स, नेक देन ट्रंक अब बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब फेस आए और फिंगर्स और लिम्स और नेक और ट्रंक के मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं फिर होते हैं हमारे पास इंटरकोस्टर मसल्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं ठीक है एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्टली हमारे पास डायाफ्राम सबसे एंड पे पैरालाइज होता है ठीक है डायफ्राम सबसे एंड पे होता है और जब इन मसल्स ने रिकवर करना होता है ना मतलब इन ड्रग्स के एक्शन से बाहर निकलना होता है तो वो ऑपोजिट तो में होते हैं मतलब ये सबसे पहले हुआ होगा ना वो सबसे एंड पे होगा जैसे डायफ्राम यहाँ पर सबसे एंड पे पैरलेज हुआ है तो सबसे पहले रिकवर करेगा इस स्टेट में मसल्स जो हैं वो आ, रिकवर करेंगे